गाइस, सडनली माय व्हाट्सएप हैज बीन स्टार्टेड पॉपिंग अप विद द मैसेजेस लाइक पोस्टपोन नीट पीजी. स्टूडेंट्स केप्ट आस्किंग दैट वेदर नीट पीजी 2021 एग्जाम विल फर्दर पोस्टपोन. क्या नीट पीजी 2021 एग्जाम आगे पोस्टपोन होगी या नहीं होगी. एंड आई हैव स्टार्टेड गेटिंग सम ऑफ द कॉल्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स. व्हेन आई चेक विद द ट्यूटर्स आई फाउंड कि ट्विटर पे भी स्टूडेंट्स पोस्टपोन नीट पीजी की डिमांड कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू ट्रेंड पोस्टपोन नीट पीजी 2021. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट और इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, साथ में क्या नीट पीजी 2021 की एग्जाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, इससे हम आज जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली रीजन पोस्टपोन नीट पीजी 2021 डिमांड करने के फ्रॉम स्टूडेंट्स वो ये है कि केरला में सुप्रीम कोर्ट ने 11th के एग्जाम को जो 6th ऑफ सितंबर से होने वाली है उसे बैन कर दिया है. द रीजन बीइंग कि केरला में कोविड के जो केसेस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स. केरला में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 25,000 26,000 केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं. वहीं अगर दूसरे स्टेट्स की बात करें तो बाकी सब स्टेट्स में कम आ रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस पोस्टपोन नीट पीजी 2021 डिमांड इज गेटिंग सपोर्ट एंड द स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम केरला हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर नीट पीजी 2021 पोस्टपोनमेंट. बट क्या ये एग्जाम अब पोस्टपोन होगी, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम पोस्टपोन की जाएगी. And there are multiple reasons, बहुत सारे reasons हैं why I feel so, why I, you can so know so, why I am saying that I am approximately 99% sure कि NEET PG 2021 की exam जो है वो अब postponed नहीं होगी, based off some of the reasons. सबसे पहली reason ये है कि last time जो NEET PG 2021 की exam रखी गई थी वो 18th ऑफ अप्रैल के लिए रखी गई थी. एट दैट टाइम द कोविड केसेस कमिंग वेयर ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस पर डे. एंड नाउ अभी की अगर हम देखें कोविड केसेस तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 42,000 to 45,000 केसेस डेली ऑल ओवर इंडिया में आ रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट 5 times कम है एट दैट टाइम. उस टाइम जो पोस्टपोनमेंट की गई थी वो इस कोविड केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे पर डे बेसिस पे 2 लाख 2 लाख 20,000 के करीब केसेस आ रहे थे इसलिए उसे पोस्टपोन किया गया था. नाउ अभी जो देखें ये कंपैरेटिवली अगर देखें तो 42,000 to 45,000 केसेस पूरे इंडिया में आ रहे हैं विच इज ऑलमोस्ट 5 times लेसर देन दैट टाइम राइट. तो एक तो रीजन ये है. दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि ये जो सितंबर में अपने एग्जाम को रखा इसे थोड़ा सा पोस्टपोन करें 15-20 दिन के लिए और ट्राई टू टेक द एग्जाम इन अक्टूबर. नाउ इसी बात की डिमांड नीट यूजी 2021 एग्जाम के लिए स्टूडेंट भी कर रहे थे. द सेम थिंग कि आप नीट यूजी एग्जाम को पोस्टपोन करके अक्टूबर में आप कंडक्ट करा लो. बट उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंप्लीटली इस डिमांड को खारिज किया और स्ट्रिक्टली कहा कि अब जो है एग्जाम अगर पोस्टपोन होती है तो वो एटलीस्ट 60 to 70 days के लिए पोस्टपोन होगी. यू नो व्हाट डज दिस मीन 60 to 70 days, 2 and 2.5 months. और वी एंड अगर अभी हम देखें तो वी आर ऑलरेडी इन लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021. अगर हम ऑलरेडी 2021 के लास्ट क्वार्टर में हैं और अभी से अगर एग्जाम को पोस्टपोन की जाती है व्हाट स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस एग्जाम को 60 to 70 days के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा जिसके वजह से ये जो एग्जाम सितंबर में होने वाली जो हम ऑलरेडी 9 months डिले हैं वो अप्रोक्सीमेटली अगर 60 to 70 days और डिले की जाती है तो अप्रोक्सीमेटली 1 year डिले हो जाएगी जो एक बहुत बड़ी डिले है. वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, हम पहले से ही डिलेड हैं और अगर इस एग्जाम को डिले किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी. तो ये दोनों बेसिकली रीजन है और इन दोनों चीजों को देखते हुए
जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नीट यूजी के पोस्टपोनमेंट को लेकर के बात कही थी कि लॉजिस्टिकल इश्यूज और अदर अनसर्टेनिटीज को देखते हुए एग्जाम को अगर पोस्टपोन किया जाता है तो वो एटलीस्ट 60-70 डेज के लिए पोस्टपोन की जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डिले हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इस बार एग्जाम को डिले की जाएगी, क्योंकि जनरली अगर हम देखें टाइमिंग नीट पीजी की तो वो दिसंबर में फॉर्म आने की टाइमिंग है नेक्स्ट सेशन के लिए, जो इस बार नहीं आएगी बिकॉज ऑफ कोविड, इस बार अभी फिलहाल नहीं आएगी, बट हम एक सेशन ऑलमोस्ट जो है वो लेट होने वाले हैं अगर इस एग्जाम को डिले किया जाता है। वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 1 ईयर लेट। तो आई एम ऑलमोस्ट एज आई सेड दैट 99% श्योर कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी। सो यू गाइज डोंट गो बाय विद दिस र्यूमर्स, आई वुड से, और र्यूमर्स भी अभी इसे नहीं कह सकते क्योंकि ये डिमांड है। सो डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स, यू जस्ट कीप योर स्टडी अप, कीपिंग योर डेट्स इन योर माइंड। आज 6th of September है, विच इज अ डेट ऑफ पब्लिशिंग एडमिट कार्ड, सो यू हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन व्हेन देयर इज जस्ट 5 days लेफ्ट। तब ये डिमांड उठ रही है विच आई डोंट थिंक वुड बी ऑफ मच यूज, राइट। हाँ, इस पर एक चीज जरूर हो सकती थी, अगर सेंटर चेंज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट को अलाउ किया होता तो वो कहीं ना कहीं बेटर हो सकती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकती थी, बट अगेन सेंटर चेंज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो डिमांड थी उसे भी खारिज कर दिया है। सो वी आर इन अ सिचुएशन कि सेंटर चेंज भी नहीं हो रही है और एग्जाम भी डिले नहीं हो रही है। सो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, करियर मीडिया के व्यूअर्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इन बातों पर बिलीव मत करो, आप अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि अब सिर्फ 5 days ही बचे हुए हैं और आज 6th of September 2021 के दिन एडमिट कार्ड रिलीज हो रही है, सो यू हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।